हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और कल का व्लॉग देखकर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं मेरी कोशिश रहेगी अब लगभग मतलब डेली व्लॉग्स बनाने की। कभी किसी वजह से ही ना बना पाऊँगी तो वो मैं शॉर्ट वीडियो में या वैसे बता भी दूंगी, लेकिन कल जो मैंने रिव्यू मांगा था वीडियो पे और जो कमेंट्स मैंने पढ़े वो सब ऐसे थे जिससे मुझे लगा कि हाँ बनाने चाहिए, बहुत प्यार मिला तो उसके लिए थैंक यू। और एक बार सभी घर वालों के बारे में बताती हूँ। ये देखो, ये तो इधर सोए हुए हैं क्योंकि आज छुट्टी है, सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है तो इनका कोई उठने का मतलब है नहीं आज। लेकिन मैं उठाऊँगी इनको जल्दी ही चाय वगैरह बना के, क्योंकि हमें आज डॉक्टर के भी जाना है। और क्यों जाना है वो मैं आगे जब जाऊँगी तो आपको बता दूँगी, अब तो मैं इंक्लूड करूँगी। पहले तो मैं नहीं बताती थी, वो पार्ट में दिखाती भी नहीं थी शॉर्ट वीडियो में, जब तक रिवील नहीं किया था तब तक। बाकी मम्मी को पहले मेरे को खांसी जुकाम हो रखा था, अब वो शायद मतलब ये तो वायरल है, अगर एक बार घर में आ जाता है ना तो सबको होता ही होता है, तो अब शायद मम्मी को हो गया है वो मुझसे। मम्मी कल मेरे को डांट भी रही थी कि तेरे से बोला था दूर रह दूर रह दूर रह, अब वो कल से मम्मी को जुकाम और सर दर्द है। तो मम्मी भी अभी तक सोई हुई है, रात को बहुत लेट सोई थी, नींद नहीं आती। ऐसे में मेरे भी रात को ना दोनों नाक ऐसे बंद हो जाते हैं, सांस ही नहीं लिया जाता। और परवेश ने जो महाशिवरात्रि पे सदगुरु का प्रोग्राम होता है वो फुल नाइट चलता है वो अटेंड किया था, तो इसलिए उसका मैंने सुबह उठ के देखा तो मैसेज आया हुआ था। शायद सबके फ़ोन पे उसने ये मैसेज कर रखा है कि मैं अभी मतलब 7:30 बजे सुबह वो सोया है और 12-1 बजे मेरे को जगा देना, तो वो अभी सोया हुआ है क्योंकि वो पूरी रात जगा था। तो अभी और बाकी घर का काम तो मैं कर चुकी हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ कल सबका फास्ट था तो सबसे पहले नहा धो लेती हूँ और फिर नहा धो के खाना बनाती हूँ। तो खाना में मतलब मैं सिर्फ सब्जी बनाऊँगी, सब्जी बना के फिर पहले डॉक्टर के जाएंगे क्योंकि 11:30 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो 1-1.5 घंटा है पहुँचने में, इसलिए सब्जी बना के चली जाती हूँ, रोटियाँ आके बना दूँगी और फिर सब खाना खा लेंगे। इतने परवेश का भी शायद उठने का टाइम हो जाएगा, तो अभी जी अभी पहले चाय पियोगे या पहले मैं नहा लूँ? मुझे पता था यही जवाब मिलेगा क्योंकि चाय बनाऊंगी तो आपको उठना पड़ेगा, है ना? मेरे को तंग मत करो। देखो मेरे को तंग मत करो, मैंने क्या तंग कर दिया आपको? मैं तो टाट पे बैठ के बोल रहे हो, तो टाट पे बैठ के तो बोलूंगी। कल बेचारे को मिठाई नहीं मिली, ए मम्मी ने मिठाई नहीं दी इनको, बोले कि ना कल काटूंगी। खाई थी कैसी थी? अच्छा टेस्टी। मम्मी उठ रही है, सो रही है? सो रही है। ठीक। तो ये वीडियो क्या मम्मी नहीं देखेगी? देखेगी तो जब देखेगी क्या मेरे सामने बोल रहे हैं, जब मैंने पूछा अच्छी थी और फिर पूछा मम्मी सो रही है या जग रही है, मैंने कहा सो रही है तो ठीक थी, अब ये वीडियो मम्मी भी देखेगी और ठीक है ना। बाकी मम्मी को जो कल मिठाई बनाई थी ना, मम्मी ने उनको पीसेस वीसेस में कट किया अच्छे से और बहुत अच्छे पीसेस कटे उसके। इसके पीछे मैं क्लिप्स लगा रही हूँ, वो क्लिप्स मैंने कल ले ली थी। कोकोनट की मिठाई अच्छी, कोकोनट की बर्फी वगैरह अच्छे नहीं लगती वैसे, इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, रहने दो। और फिर मम्मी ने उनको अच्छे से थाली में डेकोरेट करके, और फिर हमारे पास पुराना एक मिठाई का डब्बा रखा था उसमें भर के बहुत अच्छे से रख दिया है और बोली 600 रुपये किलो मिठाई तैयार है। लेकिन वही बात है ना कि क्या करे, वो घर में बने वाली चीज किसे ना अच्छी ना लगे। घर की मुर्गी मुर्गी बाहर की दाल। पता नहीं गलत डायलॉग है, सही डायलॉग है, ये परवीन जी ने बोला है, मैंने नहीं बोला। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की दाल मुर्गी के बराबर। पता नहीं कैसे है, ये बोल रहे हैं। और मुर्गी दाल दाल बाहर का कुछ भी कल पेठा मंगा के खाया है फास्ट में, और वो इतनी अच्छी मिठाई मम्मी ने बना रखी थी वो नहीं खाई, अब देख लो। और मैंने सुबह सुबह बड़क कर दी, कर्टेंस वगैरह हटा दिए, लाइट जला दी क्योंकि मेरे को तो काम करना था। मैं क्या कर दूँ, तो ये देखो अपना आई मास्क लगा के सो रहे तो सो लेते फिर ना सो तू उठना है, उठ जाओ। ठीक उठ रहा हूँ बस। कितनी देर में? ठीक है, तो अभी मैं नहा लेती हूँ और फिर आगे का और जो भी मैं पूरे दिन में काम करूँगी जहाँ जाऊँगी सब शेयर करती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक बार नहा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस,
चाय जी, चाय चाय कहाँ पे है मेरी? चाय लेके आओ फटाफट। मम्मी उठी है, देखो ये बैठी हुई मम्मी। दिखाना शक्ल, दिखाना मम्मी, मैं इधर देखना मम्मी। क्यों ना दिखाऊं सकता नहीं, उठ खाई से तो उठ खाई है, तो की बात हो नहीं, तो गई? आँख भी ना खुली। आग नहीं खुली, चाय के साथ आँख खुलेंगी? चाय दो मम्मी को, मम्मी की आँख जब खुलेंगी। चाय भी ले आई, चलो लो। मम्मी ये गलत आदत है, सुबह सुबह चाय के साथ ही आपकी आँख खुलती है। और आपको मेरी तो खुली हुई है पहले ही, लो रख दो। तो जल्दी पी लो, टाइम लेट हो रहा है। अभी बस अभी पी। मम्मी और परवीन जी उठ गए हैं, चाय मैंने बना के उनको दे दी। अब मुझे बनानी है सब्जी, और आज मुझे बनानी है पनीर की सब्जी। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए मटर को उबलना रखा, इनको मैंने पहले ही उबलना रख दिया है। मैं टमाटर प्याज को रफली चॉप करूँगी, टमाटर तो मैंने कर लिए हैं, और इन प्याज को और मैं अभी काटूँगी, तो ये करूँगी, इतने मेरे मटर बॉईल हो जाएंगे एक मिनट में। और सब्जी की पूरी रेसिपी दिखा देती हूँ, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। किसने मारा जी? प्याज रोला रही है। सब्जी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, टाइम भी कम ही लगता है, और हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने टमाटर प्याज को रफली चॉप कर दिया, और कढ़ाई में शुरू में मैंने कोई तेल ही नहीं डाला। हाफ कुक होने के लिए इसको मैं 5 से 10 मिनट ढक के छोड़ दूँगी। जब ये बिल्कुल हाफ कुक हो जाएंगे ना, फिर इनको मैं पीस के इनका पेस्ट बना लूँगी, वो मैं आगे आपको दिखा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ढक देती हूँ, इसको हाफ कुक होने के लिए। चलो चलना नहीं है क्या डॉक्टर के लिए? लेट हो रहे। हाँ बस हो गया, जितना हो गया उतना हो गया। मम्मी से कह के चली जाऊंगी, थोड़ा आपके भरोसे। चला मत देना मम्मी, हमेशा मेरे को कोई भी चीज सौंप के जाते हैं चूल्हे पे यही बोल के जाते हैं, तो मैं भी आज ही नहीं बोलूंगी चला मत देना। मेरी आदत देखो भाई, अभी हम अपना टाइम के हिसाब से, मतलब ऑन टाइम है, लेट नहीं है, और अभी हम डॉक्टर के जा रहे हैं। ठीक है, सुनो कुछ खिला पिला भी लाओ, निकल ही गए तो तुम्हारा हमेशा। चलो ना देखते हैं, देखते हैं, मतलब बहुत भूल भी सकती है। बताती हूँ कि किस लिए गई थी और क्या बताया, और अब नेक्स्ट कब बुलाया है। ठीक है, तो अभी घर पहुँच जाते हैं पहले। पर मैं जब से बैठी हूँ ना, मैं जैक लगा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खिला पिला दो, बाहर निकले हैं तो खिला पिला दो। तो देखो जूस तो हेल्दी होता है ना, तो तुम्हें क्या चाहिए? हेल्दी में तो जैक लगाना ही नहीं पड़ता। जैक तो थोड़ा सा चटर मटर खाने में लगाना पड़ता है, ये खिला दो। वेट भी तो करना है मुझे, नहीं तो मैं लेट चलूं। तो आप मत खाना, ऐसे नहीं होता। हो गया, मेरे को भी खाना पड़ेगा। नहीं आप थोड़ा सा एक बाइट खा लेना बस, नाम हो जाएगी आपने भी खाया है। कुछ नहीं है, अपने रास्ते में घर ही आ जाएगा। नहीं आता, अगर आप लोकेशन लगाओगे तो। फिर घर ना पनीर बना खा दी रो रे। ठीक है, कैंसिल कैंसिल, मारेंगी मम्मी तेरे। ओके, और मन और पिटो ये ये लो चना का साग ना ले लो। पहुंचते ही सबसे पहला काम मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि मेरे को बहुत टाइट लग रहे थे। और देखो सब्जी जो हम छोड़ के गए थे वो बन के हो चुकी है तैयार। आके मैंने आटा भी लगा लिया है, काले गेहूं का आटा लगाया है। और अभी मैं सबसे पहले रोटी बनाऊंगी, रोटी खाऊंगी, फिर बात करते हैं। ये
डॉक्टर ने पीड़िया डॉक्टर ने क्या बताया उसके लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ठीक ठाक बताए मरियम आप नहीं है बताई कौन है आके ना तो बैठेगी चुम्मा सी तो क्या आज भूख लग रही थी आते ही तो पहले खाना खाने लग रही थी डॉक्टर चलो आप लोगों को भी साथ में बता देती हूँ क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि डॉक्टर के गई थी लेकिन ये नहीं पता किस लिए गई थी तो आज डॉक्टर ने मेरे को 21 दिन बाद बुलाया था ठीक है लेकिन आज वैसे ही बुलाया था कोई जो दवाई चल रही थी उनमें से कौन सी बंद करवानी है कौन सी शुरू करवानी है ठीक है मैं जरिए अल्ट्रासाउंड करेगी आपको नहीं अल्ट्रासाउंड के लिए अब 21 दिन बाद लेवल सेकंड का अल्ट्रासाउंड होगा 3 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड के लिए मतलब अब मुझे 3 हफ्ते बाद जाना है अल्ट्रासाउंड करवाने तो 21 दिन बाद जाना है लेकिन जब से की होली भी है आप गांव में जान की भी कर रही हो तो कोई बात नवा मैंने डॉक्टर तक पूछ ली थी तो डॉक्टर बोले की एक आध दिन ऊपर नीचे हो सके है और कुछ दवाई बंद करवा दी कुछ दवाई बंद करवा दी कुछ दवाई नई शुरू करवा दी प्रोटीन पाउडर शुरू करवा दिया अब चाय बंद चली जाऊ तू एक चमच घी गेर कर पीवे ना तो भी दूध कोई नहीं गाम को दही दूध चाय आवेगी तंदुरुस्त हो जाओगी गाम में जाऊंगा एक महीनों मैं जाऊंगा होली पर जाके उल्टा ना काट गाँव इतना एक महीना हो जाएगा खुराक मिल जाएगी ठीक है भाई गाँव में नहीं का तो मम्मी अच्छा जा लगवाई थी लग गया एक बबे 15 दिन में मारी भी आ जाएगी काट भी दी अल्लाह तो बस यही सब बताया था डॉक्टर ने तो अभी 21 दिन बाद जाना है परवीन जी की तो ये ना इनका कुछ प्लान चलता रहता है अलग अलग सा कहीं घूमने फिरने का तो ये आज शाम को कहीं यही पास में ही जाने की प्लानिंग से कर रहे हैं कंफर्म नहीं है जाए ना जाए उस टाइम तक हमारे कई प्लान बदल जाते हैं पता नहीं है लेकिन फिर भी ये है कि अगर जाना पड़े तो फिर काम पेंडिंग रह जाता है ना तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करके ताकि मैं इसको एडिट करके और पहुंचा सकूं आप तक वहां जाने से पहले इसलिए मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूं और कैसा लगे बताना जरूर मुझे अच्छा लगता है ऐसा सुनने में कि कैसा लगा मिलेंगे कल बाय।